सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज पहली बार खुलेगा सबरीमाला मंदिर का मुख्य द्वार, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। निलक्कल में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कैंप से हटाया, फेंक दी कुर्सियां। मंदिर की तरफ जा रही एक महिला को प्रदर्शनकारियों ने रोका, पुलिस ने बेस कैंप तक पहुंचाया। केरल सरकार के सामने लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की चुनौती, सरकार ने जताया भरोसा। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति का बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने किया स्वागत, कहा कानून के आगे सब बराबर। यूपी के बरेली में सामने आया हिट एंड रन का मामला, सीसीटीवी में तस्वीर, महिला ने 6 लोगों को रौंदा, एक की मौत। स्कूटी सवार को धक्का मारने के बाद बेकाबू हो गई कार, फरार हो गई महिला। ओडिशा में ट्रक स्कॉर्पियो की भिड़ंत, मंदिर से लौट रहे 10 लोगों की मौत। रांची में पूजा पंडाल जलकर खाक। बिहार के सुपौल में तेल टैंकर ने बाइक सवार को कुचला, 2 की मौत। मध्य प्रदेश के सतना में सड़क किनारे जा रहे 6 लोगों को ट्रक ने कुचला, 4 की मौत। बिहार के हाजीपुर में ट्रेन में तस्करी को लेकर कस्टम का छापा, विदेशी सामान जब्त। महाराज के यवतमाल में हथियारों की तस्करी का कोहराम, थाने में जमकर गया हंगामा। विदेश राज्य मंत्री एम जे अकबर के खिलाफ सामने आई 20 महिलाएं, प्रिया रमानी के साथ जताई एकजुटता। 20 में से 19 महिलाएं एशियन एज में काम करने वाली पत्रकार, एक महिला डेक्कन क्रॉनिकल की। अकबर अपने दफ्तर के लिए बाहर निकले, मीडिया के सवालों से किया किनारा। मशहूर पेंटर जतन दास भी मी टू के घेरे में, 2013 में इंटर्नशिप के दौरान एक पेंटर ने लगाया उन पर आरोप। मलयालम फिल्म की अभिनेत्री दिव्या गोपीनाथ ने भी मी टू कैंपेन में रखी अपनी बात, मशहूर एक्टर ने की थी बदसलूकी। गुरुग्राम में जज के परिवार पर गोलीबारी के केस में पुलिस का दावा, आरोपी ने मान लिया है अपना अपराध। हमले में जज की पत्नी की हो गई थी मौत, बेटी की स्थिति है बेहद गंभीर। हत्या के एक और मामले में रामपाल को उम्रकैद, सजा के बाद रोने लगा रामपाल। रामपाल बना कैदी नंबर 1005, फूल पौधे लगाएगा, माली का काम करेगा। मेरठ छावनी से सेना का जवान गिरफ्तार, पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था। लखनऊ में महिला सिपाही की बहादुरी का वीडियो वायरल, नदी में डूबते युवक को बचाया। यूपी के संभल में अस्पताल की संवेदनहीनता, पीठ पर बीमार को लेकर तीसरी मंजिल पर पहुंची एक बुजुर्ग महिला, डॉक्टर ने खून जांच के लिए लिखी थी पर्ची, तीसरी मंजिल पर थी लैब। यूपी की बस्ती में चीनी मिल के कर्मचारियों का हंगामा, 2 साल से तनख्वाह नहीं। बिहार के आरा में ट्रक की चपेट में आकर युवक की मौत, ट्रक में लगा दी गई आग। संभल में एनकाउंटर के दौरान ढाई ढाई की आवाज निकालने वाले पुलिसकर्मी को सम्मान। एसपी संभल ने मुठभेड़ के दौरान एसआई मनोज कुमार के अदम्य साहस की तारीफ की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सुबह सुबह हादसा, दुर्गा पंडाल में लग गई आग। दिल्ली के वजीराबाद में ट्रक डीटीसी बस की भिड़ंत, फुटपाथ पर चढ़ने के बाद पलट गई बस, बस में सवार थे 50 यात्री, आई सभी को मामूली चोटें। पुलिस की गिरफ्त से बाहर पूर्व सांसद का बेटा आशीष पांडे, सुबह 11 बजे तक अंबेडकर नगर में दिखा गया। आशीष की तलाश में दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस की टीमें, आशीष और परिवार वालों के मोबाइल फोन बंद। पुलिस ने पीड़ित लड़के और लड़की का बयान दर्ज किया, दोनों को आशीष ने दी थी धमकी। एएमयू से अब कश्मीरी छात्र नहीं जाएंगे, निलंबन सभी का हुआ वापस। बेगूसराय में कन्हैया कुमार के काफिले पर हमला, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, बजरंग दल पर आरोप। श्रीनगर के फतेह कदल में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन, 3 आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़, एक पुलिसकर्मी भी शहीद। ऑपरेशन जारी, चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार निशांत अग्रवाल का लैपटॉप हुआ हैक। लैपटॉप में लगा था सॉफ्टवेयर, निशांत को फेक आईडी से अच्छी नौकरी का मिला था ऑफर। इलाहाबाद में दुर्गा पंडाल में एक शख्स पर गोली और बम से हमला, पहले युवक की पीठ पर फायरिंग, फिर बम से कर दिया गया हमला, पुलिस ने बताया गैंग वॉर। गुरुग्राम में नामी मिठाई की दुकान में जबरदस्त फायरिंग, 9 गोलियां चलाकर दहशत फैलाई एक शख्स ने। सोनीपत में दुकान में घुसकर व्यापारी की गोली मारकर हत्या। लखीमपुर खीरी में शौचालय को लेकर 2 गुटों में जबरदस्त भिड़ंत। यूपी के मथुरा में 20 सड़क पर भिड़ गए 2 सांड। आजमगढ़ में पुरानी रंजिश में बुजुर्ग की लाठी डंडों से पिटाई, हुई मौत।
कर्नाटक के तुमकुर में तीन छात्र तालाब में डूबे, सेल्फी लेने के दौरान हादसा। दिल्ली में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस के साथ झड़प, लंबा जाम लगा। दिल्ली पुलिस की बड़ी सफलता, नौकरी का झांसा देने वाले गिरोह का भंडाफोड़। चेन्नई एयरपोर्ट पर 3 किलो सोना जब्त, कीमत करीब 1 करोड़ रुपए। दिल्ली पुलिस ने ड्रग रैकेट का किया पर्दाफाश, 100 करोड़ की ड्रग्स के साथ 2 गिरफ्तार। एटा में 35 लाख की अवैध शराब के साथ 2 गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में जेल में नशे की गोलियां पहुंचाने वाला शख्स पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के करोलबाग में दिन दहाड़े गन पॉइंट पर मनी एक्सचेंज ऑफिस में 8 लाख रुपए की लूट। नरसिंहपुर में डायल 100 के आरक्षक के मुंह से काटी उंगली, गांव वालों से हुई आतापाई। अहमदाबाद में एस्कॉन गए 28 साल के बेटे ने घर वापसी के बाद दोबारा किया एस्कॉन का रुख, माँ बाप ने लगाया गुमराह करने का आरोप। संगरूर में 5 दिन से अपहृत बच्चे को पुलिस ने किया बरामद, 1 गिरफ्तार। चिकमंगलूर में भारी बारिश का कहर, सड़कों पर बाढ़। न्यू फरक्का एक्सप्रेस हादसे को लेकर रेलवे सेफ्टी की रिपोर्ट दाखिल, गलत सिग्नल थी वजह। दिल्ली के बुराड़ी में मानसिक रूप से परेशान शख्स ने अपने ही परिवार पर कर दिया हमला, चाची माँ और पत्नी पर हमला। भावनगर में अंधविश्वास के चलते 5 बच्चों के साथ मां ने आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश में 6000 लाइसेंसी हथियार निरस्त, समय पर हथियार न जमा करवाने पर एक्शन लिया गया। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में डबल मर्डर, 2 छात्रों के शव मिले। विशाखापट्टनम में 2 माओवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बच्ची की जान लेने वाले तेंदुए का आतंक, वन विभाग के खिलाफ गांव वालों का फूटा गुस्सा। महाराजगंज में खेत में अजगर ने हिरण को निगला, वन विभाग की टीम ने पकड़ा। पुणे में फोरफायरिया की बीमारी से जूझ रही लड़की ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। मुंबई आने वाले दूध टैंकर पर FDA का छापा, नकली दूध की जांच। गाजियाबाद में नकली शराब के कारोबार का भंडाफोड़, 7 स्प्रिंट से भरे ट्रक बरामद। देवरिया में पैसेंजर ट्रेन में आग, कोई हताहत नहीं। गाजियाबाद में नींव खोदने के दौरान मलबे में दब गए मजदूर, सभी अस्पताल में भर्ती। सहारनपुर में वैन ट्रैक्टर की भिड़ंत, 4 की मौत। शाहजहांपुर में एम्बुलेंस टैंकर की टक्कर, 2 दोस्तों की मौत। हिसार में 30 महिला पहलवानों ने मुंडवाए बाल, फिल्म दंगल का हुआ असर। नई पार्टी के बाद लखनऊ में नए बंगले में शिफ्ट हुए शिवपाल यादव। दुर्गा अष्टमी के दिन पटना सिटी के पटन देवी पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 24 खंबा माता परिसर में पूजा, परंपरा के अनुसार कलेक्टर ने चढ़ाई शराब। विशाखापट्टनम में नवरात्र के दौरान परमेश्वरी मंदिर में बरसी धन दौलत, 2.5 करोड़ रुपए आया चढ़ावा। 4 किलो सोने का भी आया चढ़ावा, मंदिर में पुलिस का पहरा। दिल्ली में रामलीला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का दम, अंगद का निभा रहे हैं किरदार। वडोदरा में गरबा की धूम, जंगल और शेर बचाव का दिया संदेश। पटना में दुर्गा पंडाल में तेजस्वी और शत्रुघ्न सिन्हा ने की आरती। मिनी बंगाल में नजर आया वाराणसी, खूबसूरत पंडालों ने जीता लोगों का दिल। वर्ल्ड फूड डे पर SP विधायक की कानपुर में इंसानियत पार्टी, भिखारियों और गरीबों को खिलाई बिरयानी। अनफिट शार्दुल ठाकुर की जगह उमेश यादव, पहले 2 वनडे के लिए टीम इंडिया में शामिल। डेब्यू मैच में चोटिल हो गए थे शार्दुल। वेस्टइंडीज के कोच स्टुअर्ट लॉ को भारत के खिलाफ 2 वनडे के लिए किया गया सस्पेंड। मीटू अभियान में फंसे BCCI CEO राहुल जौहरी छुट्टी पर गए, BCCI ने हफ्ते भर के अंदर जवाब देने के लिए कहा। डेनमार्क ओपन में सिंधु को लगा तगड़ा झटका, पहले दौर में हार के बाद खत्म हुआ उनका सफर। यूथ ओलंपिक में सूरज पवार ने जीता रजत, 5000 मीटर वॉक में पहली बार भारत को पदक। सोमालिया में आत्मघाती हमला, 20 से ज्यादा की मौत। अमेरिका का दावा, पिछले 1 साल में सोमालिया पर हमले में 60 आतंकवादी मार गिराए। फ्रांस में बाढ़ का कहर, टापू में तब्दील नजर आ रहा है शहर। स्पेन में तूफान का कोहराम, समंदर में लहरों से पैदा हुआ खौफ। ब्रिटेन में अद्भुत दृश्य, हवा के तेज बहाव में वाटरफॉल का पानी हुआ उल्टा। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।